वेलकम टू पीएसपीज वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी मसाला नूडल्स। जी हाँ, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ये हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, जैसे कि ठंडा होने के बाद भी ये नूडल्स आपस में नहीं चिपकेगा। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर भेजिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो तैयार हो जाइए ये मैगी मसाला नूडल्स खाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं प्राची चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ पीएसपी वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं। मैगी मसाला नूडल्स बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि मैंने गाजर लिया है और गाजर को कुछ इस तरह के शेप में बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा दो मीडियम साइज़ के टमाटर, दो मीडियम साइज़ के प्याज, पांच हरी मिर्च बारीक चॉप कर लिया है। आप अगर हरी मटर खाना चाहते हैं तो इसमें हरी मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मेरी छोटी बेटी हरी मटर नहीं खाती इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और हाँ, मैगी नूडल्स चाहिए। अब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई गरम किया है और इसमें करीबन 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। अब तेल गरम होने देंगे। तेल गरम होने पर हम प्याज, गाजर, हरी मिर्च डाल देंगे। और अगर आप हरी मटर यूज़ कर रहे हैं तो इसी समय हरी मटर भी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमें तेज ही रखना है और इसको ढक के नहीं पकाना है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे सब्जियां सॉफ्ट होने में। अब देखिए सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको 2-3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक 1/3 चम्मच। क्योंकि टेस्ट मेकर भी हम इसमें ऐड करेंगे बाद में, तो उसमें नमक ऑलरेडी रहता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा ही नमक यूज़ करेंगे। और इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। ये सब मसाले ऐड करने से फ्लेवर एकदम उभर के आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप घर में इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब जबकि सब्जियाँ मसाले सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम करीबन 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची की पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो, या फिर चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये टेस्ट मेकर है जो कि मैंने अलग कटोरी में सारे के सारे टेस्ट मेकर निकाल के रखी थी, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं ये मैगी 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा पैकेट मैगी का 12 पीस यूज़ किया है। अब इसमें पानी डालेंगे। ये जो मेरा जग है जिसे मैं पानी डाल रही हूँ, ये 250 ml का है। तो देखिए लास्ट में इतना सा पानी बच गया है, इतना पानी ऐड कर लेंगे।
आपके पास जितना पैकेट क्वांटिटी होगा नूडल्स का, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 12 पैकेट नूडल्स डाल दिया है। और अगर नूडल्स पानी में पूरी तरह से नहीं डूब रहा हो तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि नीचे वाला नूडल्स जैसे जैसे सॉफ्ट होते जाएगा वैसे वैसे ऊपर वाला जो नूडल्स है जो नहीं डूबा है पानी में वो सब एडजस्ट होते जाएगा। ये देखिए किस तरह से सब एडजस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। अच्छे से ग्रेवी में नूडल्स को मिक्स करना है। और हाँ, फ्लेम को मीडियम लो करके रखिएगा, नहीं तो नीचे से नूडल्स जलने का डर रहता है। जैसे जैसे नूडल्स नरम होते जाएगा वैसे वैसे इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। इसको ग्रेवी में जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ये ठंडा होने के बाद चिपकेगा नहीं और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब आता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप एक बार इसे टेस्ट करेंगे तो बार बार इसी मैगी को बना के खाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। ये देखिए ग्रेवी कैसे सूखती आ रही है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा नूडल्स बनके तैयार है और फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। अब इसको गरम गरम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना लाजवाब, और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। आप इसे घर में बना के ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।